हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें नंबर सिस्टम का टाइप 1 हो चुका है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप 2 में संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट फार्मूला है संख्याओं के वर्गों के लिए। देखिए दोस्तों, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा सिक्स होता है। देखिए दोस्तों, इसका कब यूज करते हैं? जब दोस्तों जब पूर्णांक दोस्तों संख्याओं वर्गों का योग हो। दोस्तों, जब संख्याओं के वर्गों का योग हो, एक क्रम वाइज संख्याएँ, ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएँ हों, ठीक है दोस्तों, जिनमें एकदम क्रम वाइज हों, तो एक से लेकर एन तक की पूर्णांक संख्याओं का योग एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। दोस्तों, एक से एन तक की बात को याद रखें, आप लोग बात को एकदम याद रखें कि एक से एन तक की होता है, यानी कि यह फार्मूला तभी यूज करेंगे जब संख्याओं का वर्गों का योग एक से स्टार्ट हो और कंसेक्यूटिव हो, एकदम क्रम से हो। ठीक है दोस्तों, एकदम क्रम से हो तभी इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे देखिए, इस सीरीज में है एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। अगर कोई इसका आंसर पूछे तो आप इस फार्मूले का यूज करके लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एन का मान क्या हो जाएगा? देखिए, एन में कितने पद हैं? एक दो तीन चार, तो चार पद हैं, तो एन बराबर चार यहाँ पर रखकर इसको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सवाल लगा कर हल करते हैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। बट दोस्तों, इस बात को याद रखें आप लोग कि एक से एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग है। दोस्तों, अगर बीच में कुछ ऐसा आ जाए, एक का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस कुछ और बीच में आ जाए, तो आप इसको नहीं यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते आप लोग, यह क्रम वाइज होगा। ठीक है दोस्तों, एक से एन तक का होगा। एन तक का कहने का मतलब यह है कि कोई एक लिमिट भी हो सकती है, या फिर अगर एन तक बोले तो आप सिर्फ फार्मूले को रख सकते हैं। अगर एक लिमिट तक बोले, जैसे एक का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सत्तर का स्क्वायर, तो एक लिमिट तक के लिए आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर 70 तक हो तो एन बराबर 70 रख दें, अगर 80 तक हो तो एन बराबर 80 रख दें। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा अच्छे से, आप इस समझ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में क्या है? एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर, इसका योग हमें बताना है। दोस्तों देखिए, यह एक कंजुकेटिव टर्म है, मतलब एक से एन तक का दिया हुआ है वर्गों का योग हमें पता करना है, एक से 70 तक का। तो यहाँ पर एन बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। देखिए, आपको देखने से पता चल जा रहा है, एक और दो तीन चार, मतलब एक एक का डिफरेंस है, कंजुकेटिव टर्म है, और एक से 70 तक है, यानी कि एन बराबर 70 हो गया। और दोस्तों वर्ग है, वर्ग के लिए कौन सा फार्मूला होगा? यह वाला होगा, तो आप इसका यूज करिए, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टा सिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका यूज करिए। देखिए दोस्तों, एस एन बराबर क्या हो जाएगा? आप एन की जगह 70 रखें, एन की जगह 70 रखें, 70 एक 71 हो जाएगा, गुड़े 70 दूनी 140, 40 141 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बट्टा छः कर दें। ठीक है दोस्तों, बटा छः कर दें, तो आप इसे हल करें, तो देखिए कैसे लगेगा इसको हल करने पर। अगर हम काटें इसको, दो तियाई छः और पैंतीस यह बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे काटेंगे इसी तरह इसको, तो देखिए दोस्तों, तीन चौका बारह बचा दो, तीन सात इक्कीस, यानी कि हमको मिल जाएगा 35 गुड़े 71 गुड़े 47। ठीक है दोस्तों, इतना मिल गया। दोस्तों आप इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1167 95। दोस्तों, आप इसका गुणा करके चेक कर लेंगे, मैंने पहले से ही गुणा करके पता कर रखा है दोस्तों, तो आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसका गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो एक एक से लेकर 70 तक के वर्ग संख्याओं के पूर्णांकों के वर्गों का योग दोस्तों कितना होगा? 11 मतलब इकाई दाएँ सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी कि 1,16,795 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा किस तरह यूज करते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, अगले वाले फार्मूला पर चलते हैं। यह तो हो गया वर्गों का योग दोस्तों, वर्गों का योग हो गया। तो आपको बताते हैं अगला फार्मूला, घनों का योग। देखिए दोस्तों, अगला है घनों का योग। अगला कौन सा दोस्तों है? घनों का योग है।
एक से अन तक के घन धन पूर्णांकों के घनों का योग है, एक से अन तक के धन पूर्णांकों घनों का योग। ठीक है दोस्तों, कैसे इसका यूज करेंगे? अगर मान लीजिए एक घाते तीन प्लस दो घाते तीन प्लस तीन घाते तीन प्लस डाट 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 मान लीजिए 20 घाते तीन दिया है। देखिए दोस्तों, ये क्रमवाइज हैं और ये पूर्णांक है दोस्तों, और एक से स्टार्ट भी हैं और एकदम क्रमवाइज है और 20 तक है। अगर कोई इसका योग पूछे, देखिए घन इस पर है, इसका कोई योग पूछे, अगर आपको फार्मूला ना पता तो आप नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, आप निकालते रह जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये दोस्तों एकदम क्रमवाइज है और 20 तक है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, n बराबर 20 हो जाएगा। आप इसमें n बराबर 20 रखेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, मतलब उल्टा पुल्टा हो, मतलब एक क्रम वाइज में ना हो, तो इसका इस फार्मूले का यूज नहीं हो सकता दोस्तों, इस बात को याद रखें। और इस फार्मूले का यूज n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 पूरे का स्क्वायर का यूज तब करेंगे जब घनों का योग हो दोस्तों, घनों का योग, एक से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग हो, इस बात को आप याद रखेंगे, एक से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे अच्छे से। तो चलिए सवाल पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, 1 की घाते 3 प्लस 2 की घाते 3 प्लस 3 की घाते 3 प्लस 4 की घाते 3 डाट 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 प्लस 90 की घाते 3 है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हल करते हैं दोस्तों। कंजुगेटिव टर्म है, एकदम क्रम अनुसार है, 1 का 2 का 3, मतलब इसमें घन दिया है तो इसका योग बताना है। n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 90 मिल गया। तो मैंने फार्मूला आपको क्या बताया दोस्तों, ये फार्मूला आपको बताया मैंने, तो SN बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, SN योग बोलते हैं, SN को दोस्तों क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं, सम बोलते हैं दोस्तों, ऐड। ठीक है दोस्तों, तो SN बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 पूरे का स्क्वायर दोस्तों करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर कितना है, n बराबर दोस्तों 90 है और इसमें 90 प्लस 1 91 हो जाएगा बट्टे 2 पूरे का स्क्वायर, और यहाँ से इसे कट करेंगे 45 बार जाएगा दोस्तों। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, देखिए आंसर हमें मिलेगा, SN बराबर इतना आ गया। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे, जब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने पहले से गुणा करके रखा है दोस्तों, 16 76 90 25 दोस्तों इसका गुणा आएगा, आप कर लीजिएगा क्योंकि आप इसे कर पाएंगे अच्छे से गुणा, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे होगा, 45 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों, गुणे 91 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर निकालने का भी एक तरीका होता है, अब 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणे 4 गुणे 5 20 हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका मैं अगली वीडियो में एक बार बता दूंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 25 का हो जाएगा, गुणे 91 इसका निकालेंगे तो आप गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इस फार्मूले को याद रखें, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब दोस्तों घनों का, धन पूर्णांकों के घनों का योग पूछा हो, वो भी क्रम वाइज हो, एक क्रम में हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब कुछ सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल, अगले वाले वीडियो में हम अच्छे सारे ढेर सारे सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में 2 ही सवाल करते हैं अभी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डाट डाट 70 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, यह क्रमवाइज नहीं दिया है, अब इसको लगाने के लिए दोस्तों अगर हम एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाट 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 प्लस 70 का स्क्वायर इसका योग निकालें और इसमें से अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाट 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 प्लस 19 का स्क्वायर अगर माइनस कर दें दोस्तों, तो बाकी जो बचेगा इसी का योग बचेगा। देखिए दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझें, अगर हमें इसका योग ज्ञात करना है दोस्तों, या तो क्रमवाइज नहीं दिया है, बीच में से उठा के दे दिया है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डाट डाट 70 तक का स्क्वायर का योग ज्ञात करें और 1 से लेकर 19 तक के वर्गों का योग ज्ञात करें और इसको घटा लें इसमें से, तो हमें 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर डाट डाट 70 का स्क्वायर का योग हमको मिल जाएगा आपसे। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसके लिए दोस्तों। देखिए SN बराबर क्या हो जाएगा, 70 पद हैं दोस्तों, तो 70 देखिए वर्ग वाला है, यानी कि SN बराबर n इंटू n प्लस 1, यह वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों,
इस फार्मूले का यूज होगा तो यहाँ पे यूज करते हैं, तो 70 प्लस 1 71 गुणे 70 दूनी 40 एक 41, देखिए दोस्तों 141 बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटेंगे दोस्तों। देखिए दिख नहीं रहा है आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से, अब दिख रहा होगा शायद आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया 70, देखिए यानी कि जगह 70 रखा मैंने, यानी कि जगह दोस्तों 70 रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जगह 70 और यान की जगह पे यहाँ पे 70 रखा, जोड़ दिया 1 71 हो गया, इसमें 2 का गुणा यान में होगा 70 में, तो 140 प्लस 141 हो गया। अब इसे काटेंगे तो उससे 3 बार जाएगा या 35 हो जाएगा, अब इससे इसे काटेंगे तो जाएगा 47 बार। ठीक है दोस्तों, 47 बार जाएगा। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 11 दोस्तों, अगर इसका मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो मिलेगा 11 67 95 दोस्तों, मिल जाएगा इतना मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना मिल गया। या इस किसका योग है दोस्तों, या इस वाले का योग है। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है। अब इसका अगर हम निकालेंगे दोस्तों, एस सी एन बराबर 19 तक का है, तो 19 और गुड़े 19 प्लस 1 20 गुड़े 19 दूनी 38 प्लस 1 39 बटा 6। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटेंगे तो 13 39 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 13 43 3 दूनी 6 और 10 बार। ठीक है, अब इसका गुणा अगर हम करें 13 130 गुणे 19 अगर दोस्तों हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2470। अब इसका गुणा करके देख लेंगे दोस्तों, और हमें इसलिए अगर हमको इसका योग निकालना है तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 11 67 95 में से अगर हम 2470 घटाएँगे दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 43 25 मिल जाएगा, जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर है, सही आंसर है। आप इसे एक बार अच्छे से खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और बाकी मैं अगली वीडियो में सवाल करवाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम 2 का स्क्वायर कामन ले लें दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 34 डॉट 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 प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए अब हमें क्रम वाइज मिल गया कि नहीं दोस्तों, क्रम वाइज मिल गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्रम वाइज मिल गया दोस्तों। तो अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो देखिए यह तो 4 हो जाएगा। अब अगर हमें 18 से 35 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है दोस्तों, अगर हमें 18 से 35 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है दोस्तों, तो पहले हमें 1 से लेकर 35 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। 1 से लेकर 35 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही हम ज्ञात कर पाएंगे इसे। ठीक है, डॉट 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 35 तक के वर्गों का योग है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों, 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अगर हम 35 तक के स्क्वायर निकालें तो एस एन बराबर हो जाएगा दोस्तों, एस एन बराबर दोस्तों होगा यान 35 हो जाएगा इंटू 35 इन 36 हो जाएगा गुड़े 71/6 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 71/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालें दोस्तों, अगर हम इसका मान निकालें तो यहाँ से कटेगा 3 दूनी 6 और 12 और यह कट जाएगा 6। देखिए दोस्तों डायरेक्ट कट जाता, लेकिन थोड़ा सा मतलब इधर थोड़ा ध्यान इधर हो गया था तो डायरेक्ट कट जाता 6 बार में। तो आ गया कितना दोस्तों, 35 का गुणा 6 में करेंगे 210 गुणे 71 आ जाएगा। अब 210 गुणे 71 अगर हम करेंगे दोस्तों, 210 गुणे 71 अगर हम करें यहाँ पे देखिए 210 गुणे यहाँ पे हम कर लेते हैं 210 गुणे 71 मिल जाएगा 0 1 2 0 7 14 0 1 9 14 दोस्तों, इतना मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मिल गया। अब हम एक से लेकर 17 तक का योग ज्ञात करते हैं दोस्तों। 17 तक का योग अगर हम ज्ञात कर लें दोस्तों, 17 तक का योग, अब देखिए n बराबर 17
गुड़े 18 गुड़े 35 बट्टा 6 छतरी का 18 यानी कि 51 गुड़े 35। दोस्तों अभी से हम गुड़ा करेंगे, 35 गुड़े 51 अगर हम करेंगे, 5 5 25 3 5 3 15 5 8 7 1 इतना आ गया दोस्तों। यानी कि अगर हम इसमें सब घटा दें, अब इसके योग में से अगर हम इसको घटा दें दोस्तों हमारा आंसर मिल जाएगा इसका योग। इसका योग दोस्तों कितना आया है, इस वाले का योग दोस्तों देखिए कितना आया, इस वाले का योग, इस वाले का योग इतना आया है, 1 से लेकर 35 तक के वर्गों का योग इतना आया है, यानी कि 14 14 9 1 0 में से अगर हम 17 8 5 घटा दें दोस्तों, 5 11 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 3, और 9 में से दोस्तों 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 9 में से 8 यहाँ दोस्तों 8 बचेगा, 8 बच जाएगा दोस्तों, 8 में से 7 जाएगा 2 बचेगा और 1 बचेगा, और 13 में से 1 जाएगा 12 बचेगा दोस्तों, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है तो दोस्तों यह रहा आंसर हमारा, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। आप इसे खुद से एक बार लगाने की कोशिश जरूर करें, अगले वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस आपको करा देंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, और कुछ क्वेश्चन हम इसका करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।